स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए एक और बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और अभी सबसे ज्यादा मतलब मैं जिस चीज को फॉलोअप कर रहा हूँ, मैं बिग बॉस देख रहा हूँ, क्योंकि कभी भी वीडियो बनानी पड़ सकती है। तो आइए बिग बॉस से रिलेटेड वीडियो देखते हैं और गपशप करते हैं, मजे करते हैं। भाई सच बता रहा हूँ मैं, इन लोगों में जितना वो है ना, क्या कहते हैं, बटबाजी में ऐसे ऐसे करके आते हैं, सलमान खान नहीं आता ऐसा बिग बॉस में, कि ये सोचिए कि मेरे को तो सब जानते हैं, तुम्हें कोई नहीं जान रहा। आधे से ज्यादा पे मैं ऐसे देख रहा था ग्रैंड प्री में, ये कौन है, इंस्टाग्राम पे सर्च करूं, अच्छा 2000 लाइक आते हैं इसके, इसको बुला लिया, मेरे में क्या बुराई थी। पर सही बताऊं तो मैं तो नहीं जाना चाहता बिग बॉस। आप बताओ, आपके हिसाब से अगर मेरे को ऑफर आए तो मेरे को जाना चाहिए क्या? वैसे मेरे पास एक ऑप्शन वो तो आया था कि उसका ऑडिशन वगैरह देने का, पर मैंने बोला नहीं, ना नक्को बिल्कुल नहीं, ये मेरा टेस्ट नहीं है। हाँ, ये अंकिता लोखंडे को मैं जानता हूँ, पवित्र रिश्ते, बाबू भैया को भी जानते हैं, UK07 राइडर, जो कि ले दे के अपनी बाइक के साथ मीटअप करते हैं, बहुत बहुत सारा मीटअप। वैसे UK07 राइडर से मिला हूँ मैं एक बार फुकरा इंसान के इवेंट में, और बात भी हुई थी, बढ़िया ठीक ठाक बात हुई थी, थोड़ी सी मतलब हुई थी। और फिर उसके बाद एक बार मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि मेरे को किसी ने एक फेक वो भेज दिया था कि मेरे ऊपर कंप्लेंट हो गई है ऐसा वैसा, और वो जो मेल आया था उसमें लिखा था कि वो बंदा यूके का है। तो मैंने सोचा कि UK07 से पूछते हैं एक बार, मैंने जाके मैसेज किया, भाई ने मुझे रिप्लाई किया, फॉलो बैक किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार अच्छा इंसान है। तो उसने मेरे को बताया भी कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चलो ठीक है। और फिर मैं एक महीने बाद देखता हूँ तो वो एक बंदे से मिला जो कि शायद मुझे पसंद नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है, और उसने मुझे उस दिन ही अनफॉलो कर दिया। तो मैंने बोला यार ये तो मैनिपुलेट हो गया यार ये तो, पर ठीक है। उसने मेरी, जब मैंने उससे पूछा था कि भाई हेल्प कर दे, उसने हेल्प करी थी, वो बड़ी बात है, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, अच्छा इंसान है वो। ये मुनावर फारूकी से पहले वाले जो दो कपल थे भाई, फुल लल्लू चप्पू, इनको देख के मैं सर पकड़ लेता हूँ, इतने उल्लू कि उल्लू भी इनसे बोलता होगा कि कितने उल्लू हो तुम। परिणीति चोपड़ा की जुड़वी भाई, ये सीन बहुत फनी है भाई, मैं इसको रिपीट करके 3 बार हंसा हूँ। UK07 भाई रिस्पेक्ट अलग चीज है, पर ये सीन बहुत फनी है। कल से ना मैं लिख के याद करूंगा मैंने सुबह क्या करा भाई, मैं ना मस्त भाई, मैं अपनी जिंदगी में मस्त लौंडा हूं, मैं सुबह से घूम रहा हूं, खा रहा हूं मस्त एकदम, मैं ना याद नहीं रखता, ठीक है भाई। अरे बोल रहे हम कम मस्त लौंडे हैं, तू समझ रहा है भाई, हम कम मस्त लौंडे। वैसे ये वो क्लिप नहीं है जो मैंने सोची थी, शायद मस्त लौंडा होगा भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सुबह से शाम तक खड़ा हूं मेरे भाई। और जिसको अरे भाई अगर अब ये तू बोलेगा ना कि भाई तू ये देखा चम्मच उठाया नहीं उठाया, तूने तेरे पास देखो याद नहीं रहता, अरे भाई भी नहीं सकता मेरे को, एक सेकंड बता, मैं पूरे दिन भर अगर। पर इन दोनों को ये चीज पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा फैंडम इस पूरे सीजन में इनके ही पास है, अगर ये मिल बांट के रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो इन दोनों को फाइनल तक जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी इन दोनों को फाइनल से जाने से कोई नहीं रोक सकता, दोनों जाएंगे ऑब्वियस, पर मिलके रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, इनका जो बॉन्ड रहता ना उस पे भी ऑडियंस अच्छा सपोर्ट करती। पर ठीक है, जैसा इनका रास्ता ही अपने आप चुनते हैं भाई, मैं ऐसा ही हूँ, तुम बार बार एक ही चीज बोलोगी तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा। इसका डायलॉग अलग, मैं ऐसा ही हूँ, क्यों है तू ऐसा, सवाल ये है कि तू ऐसा क्यों है, तू है ऐसा वो तो सबको दिख रहा है, पूरी इंडिया तेरे को गाली बकरी, जितने लोग बिग बॉस देख रहे हैं, तुम बार बार क्यों एक ही चीज बोली जा रही हो। मेरे को चुभती भाई ये ईशा मालवीय की आवाज, चुभती है भाई, इतना बेवजह में लड़ती है वो सबसे बेचारी, वो मनारा पहले मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती थी, इसके बाद वो सही लगने लग गई है, ये उससे लड़ती है बेवजह में जाके, टारगेट करती बेचारी को। इन लोगों को लड़ते हुए जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एकाध बंदा बिग बॉस में ऐसा नहीं आएगा कि सामने वाला लड़ रहा है, अपन को प्रोवोक कर रहा है और अपन हंस रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, बड़ा मजा आया मेरे को, तो कोई करे ऐसा, कभी मैं गया तो मैं ये जरूर करूंगा एक चीज अपनी जिंदगी में। सही बात है, बस मुस्कुराते रहो भाई, आग लग जाती भाई, अगर जवाब ना दो ना तो आग लग जाती है, क्योंकि इंसान प्रोवोक करने के बाद एक्सपेक्ट करता है कि कुछ आए आगे से। मैं ऐसा ही हूँ, अंदर जाके पेट में मैं ऐसा ही हूँ, पगला है भाई, भाई लोग को अजीब नहीं लगता वो, ऐसे घुटन नहीं होती उतने मुंह पे घुस, भाई साहब डरावना, भाई ये दोनों जीतने के लिए आए हैं, मतलब घर से सोच के जीत पाएंगे नहीं वो अलग बात है, दोनों ही नहीं जीत पाएंगे, ये थोड़े आगे भी नहीं जा पाएंगे जैसी इनकी हरकत है, पर ये घर से हौसला पक्का रख के आए, तुम कंट्रोल करो, तुम कंट्रोल करो, मैं अगर कंट्रोल नहीं करूंगा, बार बार एक चीज इंस्टिगेट मत करो, खुद को करो कंट्रोल। अभी अंकिता लोखंडे समझा रही है, बाद में वो उससे भी लड़ लिया। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? मेरा जीके जीरो है। स्टेट कितनी भी हो इंडिया में, उसका जो जीके है वो जीरो है, बात ये है। इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है?
यार कंफ्यूजन में कुछ याद नहीं आ रहा। ये लोग रोडीज का वो देने क्या कहते हैं अपना ऑडिशन देने पुशअप मार के चले जाते क्या बस, पढ़ाई लिखाई करके नहीं जाते और केबीसी खेल लेते हैं उनके साथ। इंडिया का कैपिटल भाई, इंडिया का कैपिटल तो बता दे बहन, एकदम मुंह पे होना चाहिए, एकदम टिप ऑफ द माउथ। इंडिया का कैपिटल ईशा देओल के पापा का नाम बता, ये नहीं बताया तो क्या भाई, बता देना बहन। सनी देओल। उसका भाई बाप एक कर दिया उसने लोग माँ बहन एक कर दिया, उसने भाई बाप एक कर दिया उसका। राम राम भैया सभी को, आजकल बड़ा इंस्टाग्राम पे मेरे फिटनेस को राज जानने की। फिटनेस नहीं आंटी, वो डोला है बस, तुम्हारे डोले में ही दम है बस, तुम्हारे डोला रे डोला के पीछे पड़ी पूरी दुनिया। चर्चा चल रही है, आओ बताती हूँ सबको। वह शाम लगाओ अपने घर में झाड़ू। पर बेचारा लप्पू सा सचिन गायब हो गया कहीं, एंटी फेमस हो गई यार, ये तो अजीब हो गया। वाके बात करो बच्चों की थोड़ी कुटाई, अगर वो ना कर रहे हो पढ़ाई। आंटी डबिंग करते करते भी हंसती, अगर ना कर रहे हो थोड़ी सी पढ़ाई। वाके बाद आया भैया, करो शुद्ध शाकाहारी भोजन, फिर करो अपने बर्तन खुद ही साफ। हाफ रही आंटी ठीक है यार, नहीं नहीं आंटी अच्छा कर रही है नए के हिसाब से तो। वैसे थोड़ी सी काई की रोस्टिंग भी कर लियो, रोस्टिंग के बाद एक अच्छी सी लियो सेल्फी और लियो जी वो है वो हमारे पूरे दिन को वर्कआउट, खाओ पियो फिट रहो। अंकी आंटी बन रही है अगली अंकित बयानपुरिया, आंटी बयानपुरिया फुल वाइब्स भाई। कुछ भी कहो भाई, तुनक तुनक तुन हिला देता आदमी को बिल्कुल अंदर से, और इतने मजे तो जिंदगी भर में नहीं किए इंडिया में मैंने जितने हुए 3 दिन में करके चला गया। दा दा दा। ये बताओ कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखोगे आप, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? बेटा अभी हम लोग तो जाने की तैयारी में। आंटी सैवेज भाई आंटी। वैसे आंटी के 2 मतलब हो सकते हैं, कि वो वहाँ से जा रही है या वो दुनिया से जा रही है। जो दुनिया से सोच रहे गलत लोग, आंटी बोल रही है कि हम वहाँ से जाने वाले हैं ना, हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया। भाई उसको पूरे मजे दिला दिए जितने दिलाए जा सकते थे इंडिया में, उसका घोड़ा पागल हो गया। ये कब हो गया भाई, ये तो देखा ही नहीं, घोड़ी उचक गई उसके दोस्तों। ये रहा मेरा नया ससुराल, और इससे पहले मैं नया ससुराल पुराना भी था, पुराना ससुराल आप लोग देख ही लिए होंगे, वो थोड़ा सा कच्ची किस रास्ते पे जा चुकी है दोस्तों ये व्लॉगिंग। दोस्तों बाकी मेरा भी एक व्लॉगिंग चैनल है, डेली व्लॉगिंग करता हूँ, कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देखना हो तो देख लेना, इसे कोई दिक्कत नहीं। घर था इसलिए मैं अपना ससुराल ही चेंज कर लिया, बहुत बढ़िया, पति भी चेंज कर ली हूँ। मैं बोलने वाला था ससुराल चेंज कर लिया, मुझे लगा घर चेंज किया होगा, उसने फैमिली चेंज कर दी। दीदी बैठी है पीछे में, वो टीवी चल रहा है और ये मैं हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा नया ससुराल, प्लीज जरूर बताइए। कुछ बचा ही नहीं ना दीदी लगने को, ऐसी बातें करने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ सामने वाले से जवाब। आराम से गिर जाओगे ना। कभी कभी ऐसे ही होता है दोस्तों, टोक लग जाती है, कोई अगर कुछ बोल देता तो वो हो जाता है, और फिर मैं तो इल्जाम सामने वाले पे डाल देता हूँ, तूने बोला इसलिए हुआ, वरना ना होता, मैं तो बढ़िया आ जाता सब, पर तूने बोल दिया इसलिए मैं गिर गया। तेरी काली जुबान लग गई, काली बिल्ली की जुबान वाले। और दोस्तों एक रील आई थी अभी मेरे सामने जिसमें वो बंदा बोल रहा था काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं होता, वो तो पहले के समय ऐसा होता था कि रात में लोग अपने बैल को लेके जाते थे जब लाइटें नहीं होती थी, तो काली बिल्ली की आंखें देख लेते थे और उनको लगता था चीता शेर वेर है, तो बैल उछट जाती थी और सब खराब हो जाता था, इसलिए ऐसा होता था कि काली बिल्ली ना मिल जाए रास्ते में। अब तो क्या पता क्यों ही अपशगुन मान रहा है, मेरे को तो भरोसा नहीं हुआ उसी बात पे, ऐसा है या नहीं आप मुझे कमेंट में बताओ, आपको क्या लगता है? दिशा बोली श्रद्धा के सामने तो पा दिया, अरे नहीं पा दा यार, एवरीथिंग आई फार्टेड। अरे ये देखा था कि नहीं मैं भाई, वो बेचारा बैठा था, मेरे को भी ऐसा लगा था कि वो पा दा है या कुछ फटफट हो गया ऐसे करके उचका था भाई, फनी था भाई। Yeah, I sat on. We were playing some game where you sit on the horn. तो मैं कुछ जीत के वो बैठ गया उसपे और ऐसा पाद का आवाज आया तो बेचारा इतना loud नहीं, मैं इतना obvious नहीं बनाता जब मैं बहुत लाउड था यार, वैसे कभी सोचा नहीं था बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम लाइव पे बैठ के पाद के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, कितने रुचि है दोनों, कितने इंटरेस्ट है। अरे इतना लाउड नहीं था, तूने पादा था, हाँ मतलब पाद दिया था। बात तो ऑब्वियस नहीं करता। क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या क्या डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों, और आप लोग क्या करते रहते हैं, वीडियो लाइक क्यों नहीं करी अभी तक, तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी हम मिलते अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।